देखिए रुचिता जी, मैं कोरोना के माहौल के कारण मैं मेरी माँ से कोशिश करता हूँ हफ्ते में एक दो बार बात हो जाए, और जब भी मैं माँ से बात करता हूँ तो तुरंत वो मुझे पूछती है कि बेटा तू हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। वो तुरंत मुझे पूछती है हल्दी लेता है कि नहीं लेता है। तो आपकी बात सही है विराट जी, आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट। नमस्कार सर। दुबई में से आज समय निकाला और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपूर्ण रहता है, उसमें भी आपने और अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर, तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो है सर, वो पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा तो दिल्ली के छोले भटूरे का ही बहुत दुखता हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डाइट है, एक जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं, उससे कभी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्थ इश्यूज हुए हो या किसी को कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। अच्छा, आपका जो फिटनेस का मंत्र है, और मैं समझता हूँ ये मैसेज बड़ी ताकत रखता है, आप कहती है डोंट लूज हेल्थ लूज वेट, जरा समझाइए क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे यही लगता है कि हम बहुत बार वजन कम करने के कोशिश में हेल्थ गवा देते हैं, रात की नींद गवा देते हैं, दिन का चैन चला जाता है और इश्क विश्क भी नहीं हुआ होता, बस डाइट पे रहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि लोगों को ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए। जस्ट नॉर्मल खाना जो हमारे घर पर बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल पोहा उपमा नून चाय जैसे कश्मीर में पिया जाता है, हर एक रीजन की हमारे यहाँ पर स्पेशलिटी है, तो अगर घर का खाएंगे पैकेट में से कम खाएंगे, और अभी 2020 भी चल रहा है तो मेरे हिसाब से अगर हमारे जो पुरुष वर्ग है वो भी अगर हमारे साथ महिलाओं के साथ घर पर हमारे किचन्स में काम करेंगे तो हम लोग पैकेट में से कम खाएंगे, अपने ही किचन से ज्यादा खाएंगे, तो सेहत ऐसी ही बनी रहेगी, डिफॉल्ट में हम लोग अच्छी सेहत बना पाएंगे। देखिए आपकी माँ जी जब आपको ये पूछती है कि आपने हल्दी ली कि नहीं, तभी आपको आपको उन्होंने और एक सीख दी होगी जो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये 100% आप दोनों में ये बात हुई होगी। शायद जब आप छोटे होंगे आपने मे बी 2-3 चपाती खा ली होगी और आपने कहा होगा आज मैंने 3 चपातियां खा ली, तो आपने माँ ने आपको बोला होगा कि कभी गिनते नहीं है कि कितना खाया है, बस उतना ही खाओ जितना जरूरी है, और जो खाते हो वो आराम से चबा चबा के खाओ। आज ये विजडम कनाडा फूड गाइड में 2019 में साइंटिफिक विजडम आ गया, लेकिन हमारे घरों में हमारी माँ हमारी दादी हमारी नानी जो हमको प्यार से कह देती है या डांट के कह देती है उसमें साइंस छुपा हुआ है। मिलिंद जी, मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूँ आपको, ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है जी, वही उम्र है कि कुछ और है? तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है, तो मैं उनसे कहता हूं और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रामैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100-100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था, तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी माँ है 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है।
तुम्हारी माँ एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी।